दतिया में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन्नाव रोड पर स्थापित रसगुल्ला पाउडर की फैक्ट्री का ताला तोड़कर दराज में रखे 5 लाख रुपए कैश चुरा कर ले गए। घटना के अनुसार अज्ञात चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और तिजोरी में रखे 5 लाख रुपए चुरा ले गए। वारदात रसगुल्ला पाउडर फैक्ट्री के मुनीम ने फैक्ट्री का ताला खोला तो उसे ताला टूटा मिला और अंदर गुल्लक से 5 लाख रुपए नहीं थे। जानकारी सिविल लाइन पुलिस एवं एसएसएलटी मौके पर पहुंची। सिविल लाइन पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। इस घटना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अज्ञात चोर फैक्ट्री में तोड़फोड़ करते रहे और चौकीदार उसका बेटा कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा। घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात चोर फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी खींच ले गए। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर पिंक गार्डन है, उसके पास में एक कारखाना है जहाँ पर गुलाब जामुन का पाउडर बनता है, वहाँ पर चोरी हो गई है। तो उस संबंध में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए सब लोग आए हुए, एफएसएल टीम वगैरह सभी अधिकारी वगैरह सभी लोग आए हुए और लगातार जाँच चल रही है। जो भी कार्रवाई होगी आपको पाउडर चोरी में कुछ कैश जाना बता रहे हैं, अभी जाँच चल रही है। कितना लगा? अभी बता रहे हैं, अभी उनके द्वारा पूरा ब्यौरा दिया नहीं गया है, जैसे देंगे आपको जानकारी दे देंगे। ये सुबह जैसे कर्मचारी आता है, कर्मचारी आया तो उन्होंने ताले यहाँ पे सट रहे हैं, ये इसके तीनों ताले खोले, तीन ताले लगे रहते खोले हैं। फिर इसका मेन गेट, ऑफिस का मेन गेट है इसका, देखा उसका कटा कुंदा कटा हुआ है। तो फोन किया, हम वहाँ पे आए, यहाँ देखा तो ऊपर से सरिये कटे हुए हैं, 9 सरिये ऊपर से कटे हुए हैं। और यहाँ पे फिर अंदर आके देखा तो कैश नहीं है, बकाया सारी चीज एजेंसी थी, डीवीआर नहीं था यहाँ पे, और सब कुछ जौकीदो था। क्योंकि उसमें कैश पड़ा रहता है डेली बेसिस पे, हमारे यहाँ लेबर काम करती है, लेबर को डेली देना पड़ता है, स्टाफ और भाड़ा भी देना पड़ता है, कुछ बिक्री होती है उसका भी कैश पड़ा था। तो लगभग 5 और 5.25 लाख के समथिंग कैश था। आपको किसी भी संदेह का? अब संदेह नहीं कह सकते क्योंकि लेबर है, आती रहती है, कोई 10 दिन काम कर रहा है, कोई 8 दिन काम कर रहा है, आता है चला जाता है, तो हम संदेह कैसे कर सकते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दे दी आपने? सुबह 100 नंबर को सूचना दी, तो 100 नंबर आधे घंटे बाद 100 नंबर आई, उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू कर दी।